नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा फास्ट कैलकुलेशन की क्लास 2। क्लास 1 में परसेंटेज पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी आप लोग देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखी है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो मल्टीप्लाई हम लोग एग्जाम के अंदर करते हैं उसको थोड़ा सा फास्ट करके एग्जाम के अंदर समय को बचाया जाए और उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन को टाइम दिया जाए। तो इसके अंदर देखो क्या क्या सीखने वाले हैं, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड जो कि कम टाइम के अंदर हम लोग कर सकते हैं, एक बेस मेथड होता है तो कुछ नंबर का कुछ बेस मान के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जैसे 11, 5, 25, 125, इनसे मल्टीप्लाई करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं वो देखेंगे, कुछ अलग ट्रिक्स भी होती है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए पूरा वीडियो। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ छोटी छोटी बातें देखने वाले हैं, मल्टीप्लाई के अंदर जो बेसिक मेथड होता है ना कि कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे ईजी ईजी ट्रिक्स से कि अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे 4-5 मल्टीप्लाई भी मिल जाते हैं जो कि 3-4 ट्रिक्स हम अभी देखने वाले हैं, तो उससे भी आप लोगों का काफ़ी टाइम बच सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर आप लोगों को कोई नंबर ऐसा दे रखा है जिसका फर्स्ट जो यूनिट है ना, ये वाला यूनिट, ये क्या है, सेम है, जैसे कि पहले वाले नंबर में भी 6 है, दूसरे वाले नंबर में भी 6 है, और आगे वाले दोनों नंबर्स का जो सम है यानी कि जो जोड़ है वो क्या है, 10 है। देखो 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो ऐसे नंबर का देखो सारी जगह पर यही है, आगे का सम 10 है, नंबर सेम है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो आगे के सम का ये 10 है और पीछे दोनों सेम है, इसी तरीके से यहाँ भी ये 10 है और पीछे 11 11 सेम है। अगर आपको कभी ऐसे नंबर कहीं पे दिखाई दे जाते हैं तो इनको कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को करना है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो हमेशा क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ एक बार में, हमेशा आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 24। इसमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो नंबर आता है हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसके पहले क्या लगा दो, 0 लगा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस पहले वाला नंबर कितना है, 6 है, तो 6 को 1 बढ़ा के 1 प्लस करके यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 42। तो आपका आंसर आ गया 42 24, कितना ईजी था। अब देखिएगा यहां पर क्या करना है, सबसे पहले 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया, 16 आ गया। यहाँ पे 7 था, 7 में 1 ऐड किया 8, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 8 56 हो गया अपना काम। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे देखो दोनों का एडिशन 10 है और पहले वाला नंबर भी सेम है, यही हमारी शर्त थी ट्रिक लगाने की। देखो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 2 डिजिट होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो उससे पहले क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब ये 10 है, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बढ़ा के करते हैं मल्टीप्लाई, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 110 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 11009। एकदम से देखो शॉर्टकट में हो रहा है। यहां पे देखना 7 या 21, 21 हो गया। पहले वाला नंबर 11 11 सेम है तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से करोगे, तो जब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 110 में 22 जोड़ दो, 132 आ गया। दोस्तों ये एक आप लोगों को अगर कहीं पे ऐसा मल्टीप्लाई दिखता है तो आप लोग बहुत ही विद इन सेकेंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से कम टाइम में कर सकते हैं हम लोग। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, पहले वाले जो डिजिट होता है उसको सेम लिख दो, जैसे इसको 6 लिख दिया, अब इसको नेक्स्ट से जोड़ दो, 6 + 1 7 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 + 1 6 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 + 2 7 हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5 हो गया, अब लास्ट डिजिट 7 to 7 लग दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से एकदम तेजी से आप लोग जब भी अगर 11 से कोई मल्टीप्लाई मिल जाता है तो आप लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लास्ट वाला डिजिट सेम हो गया, 3 और 1 जोड़ दिया कितना आ गया, 4 आ गया, 6 और 3 जोड़ दिया 9 आ गया, 6 और 6 जोड़ दिया 12 आ गया, तो 12 का सिर्फ आपको 2 लिखना है और कैरी 1 ले लेना है, ठीक है। कैरी 1 को कैसे यूज में लेंगे, 5 और 6 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 आ जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 11 के साथ आप लोग शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट इन 3 नंबर्स को देखते हैं,
5, 25 और 125 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपने जनरली एग्जाम में देखा होगा कि बहुत बार हमें 5 से 25, 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक या दो मल्टीप्लाई तो आपको जरूर जरूर मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, तो उसको आप लोग उससे कुछ सेकंड्स का और कुछ मिनट्स का समय बचा सकते हैं। देखो इस 5 की और 25 की क्या खासियत होती है, ये 5 होता है। अगर मैं इस 5 के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसको काट देता हूं, तो ये 10/2 बन जाता है। यानी कि अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो उसको क्या कर सकता हूँ, ये जो 5 था इसको मैं 10/2 लिख सकता हूँ एक तरीके से, ठीक है। तो अब देखो डिवाइड कर दो, इसको दो से डिवाइड करना आसान है 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय, 2 × 14 2 × 1 = 2, 10 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। अब एग्जाम में ये सब नहीं करना है, एग्जाम में आपको बस क्या करना है ये भूल जाओ। अपना क्वेश्चन था 142 × 5, एग्जाम में जैसे ही आपने देखा 5 तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर दिया 71 और आगे 5 है तो एक जीरो लगा दो, बस बात खत्म। 5 का मतलब 2 से डिवाइड और लास्ट में एक जीरो लगा दो। इसी तरीके से जो 25 होता है ना, इसका 100 मामला होता है कि ये 100 डिवाइड बाई 2 4 बनता है, 100 डिवाइड बाई 4 बनता है ये जो 25 है। तो जैसे आपको कोई मतलब नहीं है, जैसे आपको 25 दिखा मल्टीप्लाई के अंदर, आप इस नंबर को 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8 और आगे 2 जीरो लगा दो। 25 का मतलब 4 से भाग 2 जीरो, 5 का मतलब 2 से डिवाइड करना है और 1 जीरो लगा देना है आगे। ऐसे ही 125 का क्या है, 125 जब भी आप लोग देखो तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 × 6 = 48, 8 × 1 = 8, इस बार 125 है तो कितने जीरो लगा दो, 1, 2, 3 लगा दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो कैसे भी सोच सकते हैं, इसको 4 × 8 के आगे 3 जीरो मान लेना और फिर 8 से डिवाइड कर देना। इसी तरीके से 1, 4, 2, 0 मान के यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना, 3, 2, 8, 0 मान के यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो आगे जीरो लगाने पे तो हो जाएगा। तो इस तरीके से 5, 25 और 125 से आप लोग शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए बेस मेथड को देखते हैं। बेस मेथड में क्या होता है, किसी एक नंबर को हम बेस मान लेते हैं, जैसे कि ये वाला नंबर है 94, 97 किसके नज़दीक आ रहा है, एकदम से 100 के नज़दीक आ रहा है, तो मैंने किसको बेस मान लिया, 100 को बेस मान लिया। जैसे आप 100 को बेस मानते हो आपको क्या करना है, देखो 94 कितना कम है 100 से, 6 कम है तो -6 लिख दिया। 97 100 से कितना कम है, 3 कम है तो यहाँ -3 लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस कर लो, या तो ऐसे या ऐसे, कोई भी एक तरीके से आ जाओ, एक ही आंसर आएगा। जैसे 94 - 3 कितना आएगा, 91, ये आंसर हो गया। अगर इस तरीके से जाते, इस तरीके से, तो देखो 97 - 6 भी क्या होता, 91 ही होता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि ये वाला जो नंबर होना चाहिए 100 माना है तो हमेशा कितना डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि बेस क्या है, यहाँ पे 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, 97 है, कितना कम है 100 से, 3 कम है, 98 2 कम है, तो 3 × 2 = 6। अब चूंकि ये नंबर 100 को बेस माना है तो 2 डिजिट का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे 2 डिजिट का बनाने के लिए। अब आ जाइए, या तो ऐसे चले जाइए या ऐसे चले जाइए, कैसे भी जाएंगे आप लोग, 97 - 2 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऐसे भी जाते तो 98 - 3 = 95 ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ भी मैंने 100 को बेस माना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो +4 लिख दो यहाँ पे, ये 100 से 8 ज्यादा है तो +8 लिख दो, 8 × 32 तो ये हो गया। अब या तो ऐसे कर लो या वैसे आ जाओ, ऐसे मैंने किया तो 4 × 8 = 12 यानी 112 / 32 आप लोगों का आंसर आ गया। अगर एक भी मल्टीप्लाई कहीं पे ऐसा आप लोगों को मिल जाता है एग्जाम में तो काफी एक क्वेश्चन का समय आप लोग बचा पाएंगे। ये देखो अब देखना है कि एक ज्यादा है और एक कम है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिकी मेथड है, ध्यान से देखिएगा। ये कितना कम है, -6, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42, ये जो 42 आया ये माइनस का है ना कि प्लस का, यहाँ माइनस माइनस देखो प्लस हो गया था, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो गया था, ये -42 आया, तो बेस कितना है अपना,
100 है, इसको बेस में से माइनस कर दो, 42 को बेस 100 में माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, तो 58 लिख दो। ये जो 42 आया था इसको किस में से माइनस किया, 100 में से माइनस कर दिया। अब या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। देखो 107 में से 6 जाएगा तो 101 आएगा, चूंकि 100 हम पहले ही ले चुके हैं इसको माइनस करने के, तो एक यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो 107 माइनस 6 होगा 101, उसमें से भी एक कम कर दीजिए 100। समझ में आई बात, एक बार फिर से रिपीट, इस क्वेश्चन में रिपीट हो जाएगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कितना कम है, 2 कम है, कट नहीं जाए, ये कितना कम है 100 से, 2 कम है, ये 6 ज्यादा है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 × 12 और 100 जो बेस था उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ये लिख दो 88। ठीक है, अब देखो या तो ऐसे चले जाओ, देखो 98 प्लस 6 104, कितना आया 104। अब चूंकि 100 में से ऑलरेडी यहां पे माइनस कर चुके हैं, तो 100 हम लोग काम में ले चुके हैं, इसलिए यहां पे माइनस एक करेंगे तो 103 आ जाएगा, इस 103 को यहां लिख दीजिएगा। अभी आपको पेन और पेपर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स आप लोग ये मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाइए कि अगर 100 बेस नहीं होके 200 होगा तो क्या होगा, यहां 200 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है, तो 9 × 18 हो गया। अब इस तरीके से चले जाओ, 209 + 2 = 211 होगा, अगर इस तरीके से जाओगे तो भी 211 ही होगा, एक ही बात है, कैसे भी चले जाओ, ऐसे चले जाओ ऐसे चले जाओ। अब देखो चूंकि अपना बेस क्या है 200 है, तो ये 209 + 2 करने के बाद में ये जो 211 आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 422 हो जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मेरा बेस क्या मानूंगा मैं, 1000 मानूंगा, ठीक है, तो ये 1000 से कितना कम है, 8 कम है, और ये 1000 से 4 कम है, 8 × 32। चूंकि यहाँ पे कितना बेस है, 1000 बेस है, तो ये वाला जो नंबर होना चाहिए कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का होना चाहिए, और ये कितने डिजिट का है, 2 ही का ही है, तो 10 यहाँ पे लगा दीजिए। क्लियर है, अब आ जाओ, ठीक है, अब या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, किसी भी तरीके से। देखो 992 के अंदर माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, 988, ये हो गया आपका आंसर। एक छोटा सा मेथड और देखते हैं, आप लोगों ने ये फार्मूला तो हमेशा ही पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़ा है आप लोगों ने। इसी फार्मूला को यूज लेके हम लोग एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे, देखिएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। 49 × 51 हो गया, तो देखो क्या मैं इसको 50 − 1 और 50 + 1 मल्टीप्लाई नहीं लिख सकता, तो ये क्या हो गया, a − b + a + b, इसका मतलब a² − b² का फॉर्मूला बन गया, यानी 50 का स्क्वायर − 1 का स्क्वायर, यानी 2500 − 1, यानी 2499। अब एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपको देखना क्या है एग्जाम में किस तरीके से, बस ये मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया। जब भी आप कोई ऐसा नंबर देखते हैं जो किसी एक नंबर से बहुत नजदीक हो, जैसे 49 50 से नजदीक है तो एक कम है और दूसरा नंबर उसी नंबर से उतना ही दूर हो, यानी ये तो कम है ये उतना ही ज्यादा, ये 50 से 1 कम है ये 50 से 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब 50 को बेस मान लो और सबसे पहले 50 का स्क्वायर कर दो 2500। कितना कम ज्यादा है, एक कम ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो डायरेक्ट, एक का स्क्वायर एक होता है 2499। अब इसको आप लोगों को एग्जाम में पेपर पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही निकालो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा कि 90 से ये 3 कम है और ये 3 ज्यादा है, 3 ही कम है और 3 ही ज्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, 90 का स्क्वायर कर दिया मैंने 8100 और 3 का स्क्वायर कर दिया 9, तो 8100 में से मैंने 9 माइनस कर दिया, तो देखना क्या आएगा 8091, सीधा आंसर आ गया। कैसे किया देखना, 90 से 3 कम 3 ज्यादा, यानी 90 का स्क्वायर − 3 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 8100, 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस कर दीजिए आप लोग, ठीक है 8091 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो फॉर्मूले में कैसे बना, इस 87 को मैं लिख देता हूँ 90 − 3, इस 93 को मैं लिख देता हूँ 90 + 3,
तो फॉर्मूला बन जाएगा। बस हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है, फॉर्मूला नहीं लिखना है। यहां आया मैं, यहां मैंने देखा 7480 से 6 कम है और 8680 से 6 ज्यादा है, तो सेम सेम चीज हो गई। इसका मतलब सबसे पहले मैं 80 का स्क्वायर करूंगा, मेरे माइंड में कितना आ जाएगा, 6400 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी आंसर हो जाएगा 6364। एकदम इजीली हो गया। देखो कैसे हुआ, 80 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 80 से ये 6 कम है और ये 6 ज्यादा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 80 माइनस 6, 80 प्लस 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो वही मैंने किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने माइंड में कर लिया। बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर मेरे को आता है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6400 माइनस 36, यानी कि देखो 6364, यही आएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड ये देखने वाले हैं अब। देखो दोस्तों, अगर एग्जाम के अंदर हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो अगर उसको छोटी छोटी कैलकुलेशंस में डिवाइड होकर वो चीज़ हो जाए तो वो माइंड में ही कैलकुलेट हो सकती है और पेन और पेपर का यूज़ कम लेना पड़ता है, तो जिससे क्या टाइम की बचत होती है। तो उसी तरीके का एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड देखने वाले हैं कि अगर कहीं पर जो हमने ट्रिक्स मानी थी वो काम में नहीं आ रही हैं, तो आप लोग बेसिक जो भी मेथड होता है हमारा उसको छोड़ के थोड़ा सा एक अलग वे के अंदर जाके कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है कि टू डिजिट का मल्टीप्लाई है टू डिजिट के साथ ही, जैसे कि यहाँ पे देगा 28 मल्टीप्लाई बाई 36। तो आप लोग देखो क्या करना है, सबसे पहले इन लास्ट दो को मल्टीप्लाई करो, तो 8 छिका 48 ये रख लो 8, तो कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट नंबर के अंदर जोड़ना है। अब क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लो, 6 दुनी 12 और 8 तिया 24, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 का 0 हो गया, फिर से कैरी फॉरवर्ड क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 6 होता है, 6 प्लस 4 क्या होता है 10, ये आ गया। एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, एग्जाम के अंदर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का तो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आ जाइए, अब देखो क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, तो 18 का 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 1 हो गया, 6 निम 54 और 7 या 21, 54 प्लस 21 75 और 1 76, 6 आ गया, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 7, 7 निम 63 और 7 70, ये लो। तो होपफुली टू डिजिट के नंबर के सारे कैलकुलेशंस आप लोग इस तरीके से आसानी से कर पाएंगे एग्जाम। बात आती है थ्री डिजिट और थ्री डिजिट की, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उसके बाद में कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 दुनी 14, कैरी फॉरवर्ड 1। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे हमने दो वाले में किया था, 4 दुनी 8 प्लस 14 22 और एक 23, 7 दुनी 14 प्लस 8 22 और एक 23, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, थर्ड स्टेप है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसको आप लोग ऐसे समझो, ऐसे याद रखो, एक्सट्रीम यानी कि जो लास्ट एंड मिडल, बस इस तरीके से याद रखो, यानी कि लास्ट और बीच वाला। लास्ट का मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 7 को किया 3 से, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2 और 7 या 21, 21 और 2 23 और फिर मिडिल को करना है, 21 2 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 के बाद में अपना कैरी फॉरवर्ड कितना था 2 था, 31 और 2 33, समझ में आया होगा, एक्सट्रीम और मिडल एक साथ में, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, देखो 2 एकम 2 और 7 या 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31 और 2 33, 3 आ गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 हो गया, समझ में आया होगा। यहां तक बार बार इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ईजी है, 2 एकम 2 4 तिया 12, 12 और 2 14 और 3 17, 7 कैरी फॉरवर्ड
वन। अब लास्ट मल्टीपल तीन एकम तीन और एक चार, 4 7 3 4। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है ये वाला, जिसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही करना है। बस इस 2 के पहले क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए यहाँ पे। अब आ जाओ इसको मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 8 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 24 की 39 और 1 40 का 0 कैरी फॉरवर्ड 4। अब आ गई अपनी मिडिल वाली स्टेप जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट को लास्ट से और बीच को बीच से, 2 3 6 और इसको करूंगा 0 हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 20, 6 और 20 26 और 4 30, 3 हो गया। अब ये दोनों हो जाएंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 5 को 0 से करेंगे तो 4 2 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। फिर से देखो इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आएगा तो इसमें सिर्फ 1 कैरी फॉरवर्ड जुड़ जाएगा, तो 1 1 0 0 8 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट देखो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो कम से कम 2 डिजिट और 2 डिजिट के तो मल्टीप्लाई करो, एग्जाम में ऐसे बहुत टाइम सेव करेगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप लोगों को आने लग जाएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपको एग्जाम के अंदर जरूर से हेल्प करेगा, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के अंदर। इसके एक दो आगे के पार्ट में और भी लेके आने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें हर वीडियो के। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।